फिल्म पद्मावत भारत के साथ साथ दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। पद्मावत विवाद के बाद दीपिका पादुकोण ने तमाम सवालों समेत अपने जीवन के खास पहलुओं पर बात की। उनकी फिल्म शुरुआत से ही करनी सेना और राजपूत संगठनों के विरोध का सामना कर रही थी। तमाम विरोध के बावजूद दीपिका ने खुलासा किया कि वो ऐतिहासिक फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ेंगी, बशर्त रोल दमदार हो। उन्होंने कहा कि अगर पद्मावती जैसा मजबूत रोल ऑफर होगा तो वो जरूर करेंगी। बता दें कि जब करनी सेना ने दीपिका की नाक काटने की धमकी दी थी तो उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा था। इस सवाल के जवाब में दीपिका ने कहा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, मैं धमकियों के सामने नहीं झुकती, मैं निडर हूँ। खैर अब जो भी हो, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। ऐसे में दीपिका एक बार फिर से ऐतिहासिक फिल्मों में काम करने के लिए तैयार है। बता दें कि हाल ही में खबरें आ रही थी कि दीपिका ने अहम फैसला लिया है कि वो अब पद्मावत जैसी फिल्मों में काम नहीं करेंगी, लेकिन फाइनली उन्होंने बता ही दिया कि वो ऐसे दमदार किरदार निभाती रहेंगी। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए NMF News।